के हम छतरी राजपूत जात के मारे ना मरने कटाला दखे इब मारे से रे फिर रोगी बन जा रे के ठाड़ा हम छतरी राजपूत जात के ना मरने कटाला इब मारे से फिर हम छतरी राजपूत जात के है एक समय का जिक्र करूं रे एक समय का जिक्र करूं एक लखी था बन जाला 352 सर की उसके सब ते लांबा लारा पैसा रे के वो खर्च करे था मोटा था सहुकारा बालकपन में एक बाल्या कुत्ता जो लगे जानते प्यारा रे बालकपन में बाल्या कुत्ता जो लगे जानते प्यारा उके माथे टिका गल में पट्टा हीरे माथे टिका गल में पट्टा बाकी का रंग काला फिर इब मारे से मिलोगी बन जा रे की ढाला हम छतरी राजपूत जात के जिक्र करया एक लखी नाम का था बनजारा 352 सरकी का मालिक सप्ते लंबा लारा और भाई सारे के खर्च करा करा था मोटा साहूकारा बालकपन में पाड़ा कुत्ता जो लगे जानते प्यारा हर कुत्ता किसा माथे पे दौड़ा टिक्का गले में पट्टा और बाकी का रंग काला निबलाई मारे से फिर रोगी बन जा रही की डाड़ा। बिल्कुल सच्ची कहानी सुनाऊंगा। सन 1902 की बात, ये हरियाणा है, ये हरियाणा भी नहीं था, पाकिस्तान भी नहीं था, लाहौर शहर पाकिस्तान की एक रियासत होया करती थी और यहां तक बताते कि पटियाला की रियासत लगया करती थी यहां तक। सजनों, ये सारा पंजाब था, पंज आब पांच नदियों का मिलन, आब माने जमीन और पंज माने पांच, आब माने नदी, पांच नदियों का मिलन था ये पंजाब। लेकिन आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया 47 के बाद। दक्षिणी पंजाब 1 नवंबर 1966 को अपना हरियाणा बन गया पंजाब से, नहीं तो इतना पैसे वाला था आज भी बंजारा के बनाए हुए कुएं नारनोल तक बन रहे हैं, ये उसी लखी बंजारा के बनाए रहे हैं। सन 1902 में अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया बंजारा ने और अंग्रेजों ने ऑर्डर दिए सूट आउट के कि जहां भी कोई बंजारा मिले एनकाउंटर कर दो। बताते बंजारे का पूरा कुनबा मार दिया अंग्रेजों ने, अपनी जान बचाता हुआ केवल वो कुत्ता बचा और बंजारा बचा। अपनी सारी रियासत को छोड़ के, सारे धन को छोड़ के अपनी जान को बचाता हुआ बंजारा लाहौर तक चाल पड़ा और उत्तर प्रदेश जहां ताजमहल है आगरा नगरी बड़ी सेठों की नगरी हुआ करती थी, आगरा नगरी में आ गया। एक लाला जी एक सेठ के पास आया, हाथ जोड़ के बैठ गया लखी बंजारा। उस लाला जी ते सेठ तक के बोलिया के बता दिया के? हो गए चलते चलते शहर आगरे आया है, कई दिन हो गए चलते चलते शहर आगरे आया, ओए टलती फिरती छाया है टोटे ने
एक लाला जी कने आके उसने अपना कर्जी कढ़ाया रे। लाला जी के आके उसने अपना कर्ज कढ़ाया। सेठ मेरा नाम लक्की बन जा रहा है, मैंने तेरा नाम सुना है तू कर्जा देता है, मेरे को कुछ पैसे उधार दे दे। सेठ बोलिया कि भाई बनजारे मेरा नियम है कि मैं गिरवी धर गहने धर रपी ले जा। गोज में आद्या तक मैंने मिला कुत्ते को नजर गई, हाथ जोड़ के बोलिया सेठ जी एक चीज से अनमोल इन्हें गहने धर ले, टोटे में मरू मेरी दया कर ले। रखे धरागा गहने, बोला मेरे कुत्ते ने गिरवी धर ली। बोला कुत्ते ने गिरवी रखता है, कितने रुपये चाहिए? बोला 20,000। अपने मन में सोचिए 1902 के 20,000 आज 2020 के 20,00,000 तभी घने बनेंगे। सेठ बिदक पड़िया, बोले रे फद्दू मान रहे, अरे मामूली सा कुत्ता, अरे रुपये मांगे 20,000। जब कुत्ते को मामूली कहा, बनजारे की आंखों में लाल सुरख होगी आंख, ने बोला सेठ रुपये दे चाहे मत दे, पर मेरे कुत्ते को मामूली ना कहे, अरे मेरा टेम बिगड़ गया, कुत्ते ने गहने धरू ना तो मेरा टेम 16 होता, अरे बावड़े 20,000 इसका ना देखने के कोने लू मैं। सेठ के मन में बात ही लाडला कुत्ता है, बनजारा भी ईमानदार लग रहा है। सेठ ने तिजोरी खोली, अरे लोगो 20,000 रुपये दे के, 20,000 रुपये दे के ये कुत्ता राख रुखाला, मेरी बुगारे से मेरे लोले की बनजारे की ढाला, पाक चतरी रजपूत जात के। 6 महीने में बनजारा आएगा, कुत्ता लेकर जाएगा, 20,000 दे के जाएगा। लेकिन लोगों 6 महीने बीत गए, 7वां महीना 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 1 साल हो गया, कौन आया बनजारा? इवो सेठ कुत्ते को न देखे आधा हंसे आधा रोवे, हंसे तो न्यू देख दिन थोड़ी फद्दू बना के ले गया 20,000, और रोवे नू इतनी मोटी रकम कड़े तो पूरी करेगा। 1 साल के बाद लाला जी के घर में कहानी मोड़ ले जाती है, दूसरे सांग हो गया घर में, क्या हो गया? चोरा ने जब धन काट्या वो कुत्ता खड़ा गाड़ में है, चोरा ने जब धन काट्या वो कुत्ता खड़ा गाड़ में, अरे चोरा ने धन लूट लाट के, चोरा ने धन लूट लाट के तब्या एक ताले में, दिन लिखड़ा जब पेली पाटी वो कुत्ता लाया मारने रे, सेठ के घर में चोर बढ़ गए, तिजोरी तोड़ी, धन को निकाल लिया, कुत्ता बैठा टुकर टुकर देखा तेरी बाण को, चोर बढ़ गए घर में, भोका कोने समझदार था, कुत्ते ने देख लिया हथियार ले रहे हैं, बोलते तो तेरे गोली मारेंगे पहले, और तेरे गोली लागती सेठ का कुणबा जागा, यू भी मरेगा, चुपचाप देखता है। चोरा ने के करया सारे धन को निकाल के एक बाटे में बांध के गांव के बाहर जोड़ था तालाब उसमें दबा दिया, दिन लिखड़ा। सेठ ने तिजोरी टूटी देखी, सारी जिंदगी की माया जितनी कमाई सब के में लुट गई, माथा पकड़ के छाती पकड़ के बैठ गया, रोन लग गया, आयरा बर्बाद हो गया, और ठाडू ठाडू रोवे, लोग कट्ठे हो गए। कमाल की एक बात हुई, सेठ रोवे, अरे कुत्ता कने बैठा बैठा कू 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 करे, सेठ रोवे कुत्ता कू कू करे, बाकी को नारी काली मान गए सेठ, छड़ी उठाई और कुत्ते का छड़ी मार रहा बे मार रहा कुत्ता है कुत्ता, रात में भूख जाता तो मैं चोरा ने भगा देता, तेरे कारण बर्बाद हुआ सू, अरे कुत्ते फ्री का खावे तू बेईमान, तेरा बनजारा बेईमान,
20,000 ले गया, आज तक उल्टी नहीं लाया। बताते के कुत्ते के छड़ी लगी जोर जोर की, कुत्ता रोया कोना, लेकिन जब बंजारे को बेईमान कह दिया, कुत्ते की आंखों में परल परला सू आ गए और कुत्ते ने बाज के सेठ की धोती का पल्लू मुंह में पकड़िया और खेच गांव के बाहर जोड़ पे ले गया और पानी में तले काट का सारा धन सेठ के पाया में धर दिया। गन्ना लाला जी तो राजी हो गया, लाला जी तो राजी हो गया, तमड़ी तलक संभालिया से डर लगी बंजारे के डारा, अब छतरी रजपूत जात के सेठ के पैरों में रख दिया। अरे सेठ का तो जनू दूसरा जन्म हो गया हो, कह तो कुत्ते का छड़ी मारे था, ईब तक ताई कुत्ते का मुंह चुमा आए कुत्ते, अरे साची कहता तेरा बंजारा, तेरे तो 20 लाख भी थोड़े से है। दोबारा जब बंजारे का नाम लिया, कुत्ते की आंखें में फिर परल परलासू आ गए। एक समझदार सा आदमी खड़ा ने बोले, अरे सेठ तने एक बात नोट करी है, जब भी तू बंजारे का जिक्र करता है कुत्ता रोने लगता है, 1 साल हो गया बंजारा देखा को ना, अरे आज भी इसका मोह क्यों न बोलता जीव, इसका मोह उस बंजारे में है और संभवतः उसका मोह भी इसमें होगा। बेचारे पे पीछे नहीं बने ना तो वो लेकर जाए कुत्ता, अरे अगर ये कुत्ता तेरे धन को ना दिलाता वापस तो कितना कर्जदार होता, बेआई मौत नहीं मरे। बोले हाँ भाई साची कह, बोले पाप ना करे, एक काम कर, यो कुत्ता बंजारे तो उल्टा दे दे। बोले भाई बंजारा क्यों करावेगा, कड़े ढूंढू, अगर वो देख भी गया तो उधर लुक जाएगा, उस पर रपिए कोना बन रहे। उस आदमी ने बताया कि कुत्ते की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, इन्हें छोड़ दे आपे ढूंढ लेगा बंजारे ने। उस सेठ ने एक चिट्ठी लिखी, कहानी समझ में तो आ रही है जी, सेठ ने चिट्ठी लिखी के भाई बंजारे जो तू 20,000 लेके गया मेरे आए हो गए, अर ले यो कुत्ता मैं तने फ्री में दूं भाई रे, देने को मन तो नहीं था लेकिन तेरा मोह है, अर सुन 20,000 छोड़, 20 लाख भी चाहिए तो बेच के मेरे पास आ जाना। वह चिट्ठी कुत्ते के गले में रस्सी तक बांध के अर कुत्ता रवाना कर दिया। 5-7 दिन आगरा नगरी में कुत्ता घूमया, बंजारा कोने मिला, हार थक के वो कुत्ता आगरा से दिल्ली रोड पे हो लिया। मथुरा और आगरा के बीच एक गांव पड़ता है बुजुर्गो, जिस गांव का नाम है मर्रोली। मर्रोली गांव में कुत्ता बढ़िया, उसे लगा कि मेरा मालिक हो न हो इसी गांव में है, उसकी गंदारी है मुझे। गांव के बीच में बढ़िया, गांव के कुत्ते गैल लाग लिए, किसी ने पांव पाट दिया, किसी ने कान पाट दिया, लहूलुहान हो गया, पर अपने मालिक से मिलने की होड़ में कुत्ता बाजा बाजा आखिरकार गांव की फिरनी पे पहुंच गया और अपने मालिक बंजारे को देखता है, क्या के 352 सरके का मालिक, आज बेचारा गरीबी के टेम में चिनाई का काम कर रहा था, छाती भर गई कुत्ते की, ऊपर को मुंह करके ऊक मारता है लाड में कुत्ता बंजारे को दिखाने के लिए। और जब बंजारे ने कुत्ते की हूक सुनी रही तो तेरा कुत्ता से लोगों काली मान गया, बोले अरे बेईमान कुत्ते, अरे तेरे कारण एक टेम की रोटी खाता हूं, एक एक रुपया जोड़ रहा हूं तने छुटा के लाऊंगा, मने सेठ के पीछे नहीं दिया, तू बाज के आ गया ओ कुत्ते, अरे कुत्ते का कुत्तरा मेरी रेरे माटी करवा दी। अरे बिना विचारे बिना सोचे समझे बंजारा देसी कट्टा रखता था, कट्टा काटा और कुत्ते के दड़ दड़ से गोली मार दी, कुत्ता वहीं मर गया। के कहानी बन गई, अरे अपना फर्ज निभा के कुत्ता, अपना फर्ज निभा के कुत्ता, वहां से चला बिचार
कोस गया फिर उठे मिलिया बन जा रहे। पांच सात दस कोस गया फिर उठे मिलिया बन जा रहा। देखी फिर हाथ फेर पुचकारा रे। घर में बंदी चिट्ठी देखी फिर हाथ फेर पुचकारा। एक गोली लागते ही कुत्ते के चांद कने पाँव होंगे, मर गया कुत्ता बेचारा। ये बन जा रहा था तो प्यारा कुत्ता, गलती कर रखी थी, छो छो में गया, हाथ लगाया कुत्ते की धड़कन रुक चुकी, मर लिया कुत्ता। लहू लुका कुछ तो कुत्ते ने पाड़ रखा, एक गोली लग गई, मर गया कुत्ता। अपने हिंदू धर्म में एक नियम है ब्रजेश भाई, मरे हुए जीव को मिट्टी दो जी या अग्नि दो। बंजारे ने गड्ढा खोदा और गड्ढे में कुत्ता गिरता ना, कुत्ता देख रे रे माटी करवा दे, साला मर गया ठीक रहा। उस कुत्ते की डेड बॉडी को गड्ढे में गिरा, ऊपर तो माटी गिरने लग्या। बताते हैं कुत्ते के गले में वो कागज व चिट्ठी दिखाई दी, मिट्टी हटाके ओए होए वह चिट्ठी पड़ी, वो चिट्ठी पढ़कर छाती भर गई, कहावत बन गई कुत्ता मार बंजारा रोया। ये बात नौजवानों जीवन में उतार लेना, कदे डांस में ये बात नहीं मिलेगी, आल फाकड़े जीजा साड़ी देवर भाभी में ये बात नहीं मिलेगी, लेकिन मेरी ये बात जीवन में उतारना। दुनिया में सबसे बड़ा हथियार इंसान का धैर्य पेशेंस है, जिसमें पेशेंस धैर्य है वो राज करेगा दुनिया में। अगर कोई आपकी कहीं बेइज्जती कर दे, एक बार वो कड़वा घूंट पी के देखना, परमात्मा जल्दी कोई ऐसा मौका लगाएगा कि आप 10 गुना बेइज्जती अगले की कर सकते हो। लेकिन पेशेंस को ना, कोई दो बात कह दे बटाई बट जूत बाजे, फिर पुलिस पकड़ के ले जा, फिर कोर्ट में जा, 5-7 साल कोर्ट में पीछे लागे, फिर 5-6 सोचे ओहो भाई रे समझौता ही कर ले तू, आजा बैठ के। शुरू में ना करे समझौता, पाछे करे है। सजनों कहते के फिर पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। चिट्ठी पढ़ के रोवण लगा, चिट्ठी पढ़ के रोवण लगा, चिट्ठी पढ़ के रोवण लगा, लक्ष्मी चंद जाटिया रविवार से फिर रोवगी बन जाए की डारा, अब छतरी रजपूत जात के ना मरने का डारा, हम छतरी रजपूत जात के ना मरने का टाड़ा, युवारे से फिर रोवेगी बनजारे की डाला, हम छतरी रजपूत जात के